सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ सुनने वालों का ऐसा मुझे सुझाव है कि आप ये सब हिंदी में हमें बताइए, क्योंकि मराठी भाषा हमें समझ में नहीं आती। तो इस एपिसोड से आगे के कुछ एपिसोड हम हिंदी भाषा में करेंगे। तो मैं पहला ऐसा बताया था गए एपिसोड में कि कुछ बंदिश से, ठुमरी से, ख्याल से मुझे नए नए रचनाएं मेरे हाथ से बनी। तो अब तो मैं बंदिश, ख्याल, ठुमरी, इससे तो मुझे नया करने का मौका मिला ही, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु की आशीर्वाद से, जिस कलाकार को प्रतिभा होती है, जिस कलाकार के पास, तो वो कहीं से भी उसे उसे बुद्धि को चालना मिलती है और वो नया बनाने चलता है। तो मैंने बहुत सारे कलाकार हिंदुस्तान के पहले पीढ़ी के, मेरे पहली पीढ़ी और उससे पहले, मतलब अब्दुल करीम खान साहब, वहीद खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, ये पीढ़ी के बाद कुमार जी, भीमसेन जी वगैरह, ये पीढ़ी के सब कलाकार मैंने बहुत सुने। तो एक बार ऐसा हुआ, नंदराग की कुमार जी की बंदिश मैंने सुनी, और उससे पहले मैंने फिल्म का गाना भी सुना था नंद का, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा। ये गाना भी दिमाग में था, और कुमार जी की बंदिश, उनका अंतरे का जो कुछ ऐसा माहौल उन्होंने बनाया था कि बहुत ही बढ़िया जगह थी वो। वो भजन की है, ये जगह से मुझे इतना पीछा किया उस जगह ने कि बस उससे मेरी एक ऐसा भजन मैंने बनाया, गुरु नानक जी का भजन है, जिस सिमरत दुख सब जाए, जिस सिमरत दुख सब जाए, राम नाम वसे मन आए, राम नाम वसे मन आए, जिस सिमरत जप मन मेरे, जप मन मेरे, जप मन मेरे, जप मन मेरे, गोविंद की बानी साधु जन राम रसन खानी, जिस सिमर दुख सब जाए, राव रहिया, राव सर्वत स्वामी, सर्वत स्वामी, सर्वत स्वामी,
नानक अंतर्यामी जिस सिमर सब जाए। मित्र हो, ये और भी कुछ अंतरे इसमें है, लेकिन आपको कुमार जी की जगह से जो उन्होंने नंद राग में अंतरे में जगह ली थी, उस जगह से मुझे ये बंदिश रचना मुझे बनने को मौका मिला। तो इसमें कुमार जी की नंद की जगह है और फिल्म गाना का भी उसमें असर है, और उसमें गुलाम अली खां साहब की गज़ल का भी उसमें थोड़ा अंदाज है। जब मन में एक खास साहब की गजल है, ओ कभी मिल जाए तो क्या कीजिए, रात दिन आँखों से देखा कीजिए। तो ये गजल का भी उसमें मुझे, ये तीनों मिलकर ये मेरा भजन मतलब पूरा हो गया। तो जिसे प्रतिभा है, वो गजल हो या लावणी हो, भजन हो या नाट्य गीत हो, ठुमरी हो या ख्याल हो या बंदिश हो या और कुछ हो, उसे कहीं से भी कुछ मिल सकता है। बस अपना नज़रिया, अपनी दृष्टि ओपन होनी चाहिए और ग्रास करने की उसकी पात्रता होनी चाहिए। मैं तो आगे जाकर ऐसा बताऊंगा कि ये सब भगवान की दुआ से होता है, गुरु की कृपा से होता है। भगवान की कृपा होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए, तब ये बातें बनती है। मैं समझो मेरा पूरा भजन आपको सुना दिया तो ये कहाँ से मैंने बिठाया आप नहीं समझ सकेंगे। मैंने ये पूरा उसका पिछली स्टोरी बताई, जब से वो बनी बात बनी, उससे पहला मुझे कहाँ से वो बंदिश बनने को बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, ये पूरा मैंने स्टोरी बताने के बाद आपको समझ जाएगा कि अरे ये यहीं से है, वो यहीं से है। लेकिन मैंने खाली भजन सुना दिया और आपको छोड़ दिया तो आप नहीं समझ सकेंगे कि ये कहाँ से क्या है। तो प्रतिभावान कलाकार को कहीं से भी कुछ ना कुछ उसके बुद्धि को चालना मिलती है और कुछ नया बन जाता है। इसीलिए फिर एक बार मैं आपको एक कहता हूँ कि ये गुरु कृपा है चाहिए, उसे भगवान का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की सबकी दुआ है। मेरे हाथों से कुछ बातें बन गई, आप लोगों ने उसे स्वीकार किया, आपको वो पसंद आई, बस यही भगवान की कृपा है। आगे चलकर ऐसे ही मैं आपको एक एक नया नया बंदिश, नया नया नई रचना आपको मैं हमेशा के लिए बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको विनती है, सबको चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।